हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है 8000। यहाँ पे हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। आप एक चीज़ याद रखो, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, एंड अगर नंबर निगेटिव में दिया हो हमें तो उसका क्यूब रूट निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो पहले हम 8000 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यूनिट प्लेस पे देखो, यहाँ पे ज़ीरो है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू हमें पता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स होते हैं उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2, 4, 8 एंड 3 ऊपर के 0 एज इट इज़। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2, 2, 4 एंड ए वाले 3 ज़ीरोज। यहाँ पे और एक बार 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2, 1, 2 एंड ये ऊपर वाले 3 ज़ीरोज। देखो, इसको और एक बार हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2, 5, 10 एंड ये ऊपर वाले 0। 2, 2, 4 2, 5, 10 एंड यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 1, 2 2, 2, 4 यहाँ पे 1 रिमेनिंग, 2, 5, 10 अभी 125। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5, 2, 10 2 रिमेनिंग, 5, 5, 25 और एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 5, 25 ठीक है, 5 को और एक बार 5, 1, 5 जहाँ पे 1 आता है उसका मतलब प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स आ गया है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 5 यहाँ पे 3 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम 3, 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, ये सेकेंड ग्रुप एंड ये वाला थर्ड ग्रुप। इसी को अभी हम कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, इसको भी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 5 क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर 3 बार आया है तो उसी का मतलब होता है उसका क्यूब। ठीक है, अभी देखो तीनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड तीनों के ब्रैकेट के ऊपर हम क्यूब दे देंगे। ठीक है, एंड अभी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। अभी बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। अभी क्यूब रूट को यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 1/3 एंड यहाँ पे इसका क्यूब है मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 कैंसिल हो जाता है एंड यहाँ पे पावर 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका आंसर देखो 2, 2, 2 ज़ार 4 एंड 4, 5 ज़ार 20। तो फाइनल आंसर हमारा आया क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल है 729। इसके भी पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो प्राइम फैक्टर्स को पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा, 729। अभी देखेंगे कि इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है, जिसके यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 + 2 9 एंड 9 + 9 18। अगर हम किसी भी नंबर की एडिशन को देखो, इन नंबर्स की एडिशन 18 आ रही है, अगर हम 3 से इस नंबर की एडिशन को डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब इस नंबर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3, 2 ज़ार 6 1 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, 3, 4 ज़ार 12 3, 3 ज़ार 9 अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 8 ज़ार 24 3, 1 ज़ार 3 अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको,
थ्री टू जार सिक्स, टू यहाँ पे रिमेनिंग, थ्री सेवन जार 21। देखो 27 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 नाइन जार 27, 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 थ्री जार 9, अभी 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 वन जार 3, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस यहाँ पे अभी ख़त्म हो गई है। अभी जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स। ठीक है, तो 3 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। देखो फर्स्ट 3 का मैंने 3 में एक ग्रुप ऐसे किया, 3 के ग्रुप को अंडरलाइन करना है आपको। यहाँ पे भी सेम जो नंबर है, यहाँ पे 3 है नंबर, उन तीनों का एक ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, सेम नंबर का एक ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप में 3 ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम ही नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अलग अलग नंबर होते हैं तो हम ग्रुप नहीं बना पाते। अगर सपोज़ 2 × 3 × 3 ऐसा है तो हम इसका ग्रुप नहीं बना सकते, नंबर हमें सेम ही चाहिए। अभी देखो इस 3 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया है। अभी देखो इसी को ही हम कैसे लिखेंगे, 3 क्यूब, क्योंकि 3 × 3 × 3 मतलब 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 3 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। अभी इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 729 का क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे भी 729 आएगा, यहाँ पे भी 729। ठीक है, अभी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है इसका। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों क्यूब जो है वो ब्रैकेट के बाहर एक ही टाइम हम लिखेंगे, मतलब 3 × 3 एंड ब्रैकेट के बाहर एक क्यूब। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही बार लिखा है ब्रैकेट के बाहर। अभी क्यूब ओके, नेक्स्ट स्टेप होगी टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम 729 का क्यूब रूट ले लेंगे एंड यहाँ पे भी देखो क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब एंड यहाँ पे क्यूब रूट। रूट मतलब 1/3 होता है। ठीक है, देखो ऐसे होता है, तो ये 3 को तो 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब क्यूब रूट को क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 × 3 3 × 3 वी गेट 9। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9। तो ए होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 3 343। इसके हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 343, 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 7 से 7 × 4 = 26 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, 7 × 9 = 63। ठीक है, अगेन हम 7 से डिवाइड इसको कर सकते हैं, 7 × 7 = 49। अभी 7 को तो 7 से ही कर सकते हैं, 7 × 1 = 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 7 आ गया है। ठीक है, तो फैक्टर्स देखो, 343 इक्वल टू 7 × 7 × 7 और इन तीनों को ही हम कैसे लिखेंगे, 7 क्यूब। ठीक है, अभी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, अभी क्यूब रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे, 343 क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब। अभी देखो क्यूब को क्यूब रूट कैंसिल होता है और कितना नंबर रहेगा यहाँ पे, सिर्फ 7, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू 7। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल −512। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको माइनस का साइन दिया है, थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पहले हम 512 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 1 यहाँ पे रहेगा, 2 × 5 = 10, अगेन 1 रहेगा, 2 × 6 = 12, अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 1 = 2,
टू टू जार फोर, वन रहेगा टू एट जार सिक्सटीन। देखो इसको भी टू से डिवाइड कर सकते हैं। जिसके यूनिट प्लेस पे टू सिक्स एट ज़ीरो फोर ऐसे नंबर्स होते हैं उनको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं। टू सिक्स जार ट्वेल्व एंड टू फोर जार एट, अगेन हम टू से डिवाइड कर सकते हैं। टू थ्री जार सिक्स, टू टू जार फोर, टू से और एक बार डिवाइड कर सकते हैं। टू वन जार टू, यहाँ पे वन रहेगा। टू सिक्स जार ट्वेल्व, टू एट जार सिक्सटीन, टू फोर जार एट, टू टू जार फोर एंड टू वन जार टू। ठीक है, वन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो 512 को पहले हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में देखो कैसे लिखना है आपको। लेट अस फैक्टराइज ऑफ 512। ठीक है, माइनस को थोड़ी देर के लिए कंसीडर मत करो। 512 इक्वल टू, टू कितनी बार आया है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, तो टू को यहाँ पे हम नाइन टाइम्स लिखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अभी थ्री थ्री के ग्रुप में हमें इसको डिवाइड करना है। देखो ये हो गया थ्री का ग्रुप, ये सेकेंड थ्री का ग्रुप एंड ये थर्ड थ्री का ग्रुप। इसी को हम कैसे लिखेंगे, टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय इसके इसको ही कैसे लिखेंगे, टू क्यूब, और इसको भी ऐसे लिखेंगे टू क्यूब। अभी यहाँ पे ये तीनों को सेपरेट क्यूब दिया है, इसको ही हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर एक बार ही क्यूब लिखेंगे। टू इंटू टू इंटू टू एंड ये तीनों का ये ब्रैकेट के बाहर ही लिखा है, कुछ नहीं किया। देखो अगर आप ऐसे देखोगे ये एक क्यूब जो है वो ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे 512 का इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टू इंटू टू इंटू टू ब्रैकेट क्यूब। अभी क्यूब रूट को क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है। आंसर क्या आ जाएगा देखो, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू एट। बट यहाँ पे देखो आपको माइनस 512 दिया है, तो यहाँ पे हमने प्लस में फाइंड आउट किया है। सिर्फ अभी दोनों साइड हम माइनस का साइन देंगे, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव में ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे निगेटिव हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो आंसर में भी बोथ साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी हम माइनस दे देंगे। ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, माइनस 2744। यहाँ पे भी पहले हम माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले प्लस को कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2744, देखो यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 वन जार 2, 2 थ्री जार 6, 1 रहेगा। 2 सेवन जार 14 एंड 2 टू जार 4। अभी देखो यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। टू सिक्स जार ट्वेल्व, वन रहेगा। टू एट जार सिक्सटीन, अगेन वन। टू सिक्स जार ट्वेल्व, अगेन टू से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। टू थ्री जार सिक्स, टू फोर जार एट, टू थ्री जार सिक्स। अभी देखो 343, इसके हमने पहले से ही फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। एग्जांपल नंबर 3 था हमारा, है ना, इसका क्यूब रूट क्या आया था, 7। अभी देखो इसको हम सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 फोर जार 28, 6 रहेगा। 7 नाइन जार 63, अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 सेवन जार 49, बाद में और एक बार 7 से। 7 वन जार 7, 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ही प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है,
सेम नंबर तीन बार, एंड यहाँ पे सेवन भी सेम नंबर है, तीन बार आया है, इसको पहले हम लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट अस फर्स्ट फैक्टराइज 2744। इक्वल टू, देखो टू को थ्री टाइम्स लिखना है हमें एंड सेवन को थ्री टाइम्स, वन टू थ्री। अभी थ्री थ्री का ग्रुप बनाएंगे एंड इसका क्यूब लिख सकते हैं हम, है ना, टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय सेवन क्यूब, 2744। अभी इसी को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय सेवन एंड दोनों का क्यूब जो है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूब रूट लिया। अभी देखो यहाँ पे पावर थ्री है एंड यहाँ पे क्यूब रूट है, तो यहाँ पे क्यूब रूट मतलब वन अपॉन थ्री एंड पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो थ्री को थ्री यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई बाय सेवन एंड टू मल्टीप्लाई बाय सेवन इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल टू 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सिक्स, 32768। ठीक है, इसका हमें अभी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। 32768 यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 1 रहेगा, 2 8 16, 2 4 8। और एक बार देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब हम और एक बार इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 1 रहेगा, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, देन 0, 2 9 18, 1 रहेगा, 2 6 12, 2 से डिवाइड, 2 2 4, 0, 2 4 8, 1 रहेगा, 2 8 16, अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 2, 2 0, देन 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। और एक बार 2 से, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करते जाएंगे, 2 2 4, 1, 2 5 10, 1, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 1, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, एंड फाइनली यहाँ पे देखो 2 1 2 एंड 1 यहाँ पे आ गया, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आ गया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 2 को अभी यहाँ पे हम 15 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे मैंने 2 को 15 टाइम्स लिखा है। अभी इसको हम 3-3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, देखो ये फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड ये हो गया फिफ्थ। देखो फर्स्ट ग्रुप को ही हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्यूब, ठीक है, हर एक ग्रुप को भी हम 2 क्यूब लिखेंगे। सेकेंड वाला देखो 2 क्यूब, कितने ग्रुप बने हैं यहाँ पे, 5 ग्रुप बने हैं, यहाँ पे 2 क्यूब कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। अभी देखो यहाँ पे 3 हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ
32,768 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर क्या है 3। ठीक है, अभी देखो पावर एंड रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर में क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, 16 टू जार 32। ठीक है, सो आंसर क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल टू 32। ठीक है, आपको साइड में देखो आंसर लिखते समय आपको फैक्टर्स को भी लिखना है और बाद में आप ऐसे साइड में इसका प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 1331 एक किसका क्यूब रूट है आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।